अपने बचपन से हारमोनियम और तबला बनाने का काम करने वाले खालिद महमूद उर्फ उस्ताद बिल्ला और उन जैसे सैकड़ों हुनरमंद इन दिनों माली मुश्किलात से दोचार हैं। वजह ये है कि मौसीकी के बढ़ते हुए रुझानात ने नई नस्ल को क्लासिकी मौसीकी से दूर कर दिया है। नतीजतन तबला, हारमोनियम, सितार, डुग्गी, बांसुरी और इकतारा जैसे साजों को सीखने और इस्तेमाल करने वालों की तादाद में नुमाया कमी वाकई हुई है और उनका कारोबार हर गुजरते साल के साथ जवाल पजीर होता जा रहा है। जो भी काम कराने वाला आता था वो हमारे पास बैठ जाता था कि भाई जान ये मेरा काम करके दे, रात को हमने काम से जाना है। लेकिन अब यही हिसाब है कि कोई ऐसा काम ही नहीं है क्योंकि ज्यादातर बन गया है शोरूम। इस सूरत हाल में वो हुनरमंद कामयाब रहे जिन्होंने बदलते वक्त के साथ खुद को जदीद साजों को बनाने और उन्हें मरम्मत करने से वाबस्ता कर लिया। न्यू जनरेशन आई है तो उसके लिए न्यू इंस्ट्रूमेंट हमने बनाया, बायस एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, जैसा गिटार हो गए, तबला, ढोलक, तो ये चलता है। जो पुराने इंस्ट्रूमेंट हैं वो तो बंद हो चुके हैं, बहुत कम महीने में, दो महीने में एक इंस्ट्रूमेंट। आलाते मौसीकी बनाने वाले इस उम्मीद पे अच्छे दिनों का इंतजार करते नजर आते हैं कि फने मौसीकी की तालीम देने वाली एकेडमियां कायम होंगी और उनके साज की कदरों कीमत बढ़ेगी। जैसे हमारी आर्ट काउंसिल है वहाँ पे सब कुछ सिखाया जाता है, अगर वहाँ पे उस्ताद बोलेंगे सिखाने वाले कि जाओ ये साज लेके आओ तो मजबूरन शिगिर्द को लेना पड़ेगा। राग और रागनी की रिवायत बरकरार रखने के लिए देरीना आलाते मौसीकी का आहिया इंतहाई जरूरी है। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा अजहर अली खान, सिटी 42।